महायुद्ध का बजा अलार्म, ड्रैगन का काम तमाम। रेड आर्मी का डेथ वारंट, एलएसी में युद्ध की आहट। क्वाड का दम, बीजिंग होगा बेदम। धरती से आसमान तक पूरी तैयारी, एक चूक चीन पर भारी। Who are we? Indian Army, sir. Indian Army ने जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. चीन का बारूद चरित्र। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे दुनिया को कोरोना महामारी की सौगात देने वाले ड्रैगन के बारूद चरित्र की। जी हां, चालबाज चीन अब युद्ध चाहता है, क्योंकि एक तरफ तो चीन शांति के कबूतर उड़ा रहा है तो वही दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये चीन का बारूद चरित्र है, क्योंकि वो खुद तो बारूद के ढेर पर बैठा है लेकिन उसकी चिंगारी से पूरी दुनिया में आग लगा देना चाहता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दुनिया को कोरोना की महामारी की सौगात देने वाला ड्रैगन, छोटे छोटे देशों की जमीन पर बुरी नीयत रखने वाला ड्रैगन, पाकिस्तान को गुलाम बनाने वाला ड्रैगन अब दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर में झोंकना चाहता है। वो खुद तो बारूद के ढेर पर बैठा है लेकिन इसकी चिंगारी से पूरी दुनिया में आग लगा देना चाहता है। चालबाजी के जाल बुनते बुनते, छोटे छोटे देशों की जमीन कब्जाते कब्जाते, भूमाफिया चीन के तानाशाह के इरादे इतने खतरनाक हो गए हैं कि वो अपनी सनक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्योंकि गलवान और पेंगोंग में भारत के हाथों पिटने के बाद से चीन बौखलाया हुआ है। वो भारत से अपनी हार का बदला लेना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ड्रैगन लद्दाख में चीनी कब्जे वाले एक साइचिन में मध्यम दूरी तक मार करने वाली किलर मिसाइल को तैनात कर रहा है और इन्हीं किलर मिसाइल की मदद से वो पूरे भारत को निशाना बनाने की सोच रखता है। मगर ये चीन का भ्रम है, क्योंकि हर देखा हुआ सपना पूरा हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए लाल सेना के कमांडरों को ये समझ आ जाना चाहिए। ऐसी ही कोशिश चीन ने 29-30 अगस्त की रात को पूर्वी लद्दाख में की थी, लेकिन चीन की इस नापाक साजिश को भारतीय शेरों ने नाकाम कर दिया था। इतना ही नहीं, पिछले 4 महीनों से चालबाज चीन पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ इलाकों में घुसपैठ कर ऊंची ऊंची चोटियों को कब्जाने की जो साजिश रच रहा था उससे भी हिंद के शूरमाओं ने फेल कर दिया। अब ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरंग टॉप, मुकाबारी हिल, मगर टॉप सब पर भारत का कब्जा है और लद्दाख में सिर्फ एक ही नियम काम करता है, जो टॉप पर होगा वो जंग जीतेगा। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं,
चीन ने एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चालबाज चीन का बारूद चरित्र, चीन ने एलएसी पर 50,000 सैनिक लगाए। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, बड़ी संख्या में रॉकेट और 150 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से साफ है कि पूरे अक्साई चीन इलाके में स्थित चीनी एयरबेस को चीन ने मिसाइलों, तोपों और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम रॉकेट से पाट दिया है। इसके अलावा चीन मिसाइलों को छिपाने के लिए जमीन के अंदर ठिकाने बना रहा है ताकि वो सैटेलाइट के रडार में ना आए। चीन ने तिब्बत में हवाई ठिकानों की संख्या को दोगुना कर दिया है। चीन ने एलएसी से लगे अपने इलाकों में हवाई ठिकानों की संख्या को दोगुना कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने भारतीय विमानों और मिसाइलों को मार गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और हेलीपोर्ट की संख्या को भी दोगुना कर दिया है। ये सब चीन ने एलएसी पर जारी तनाव से ठीक पहले किया था और अब धीरे धीरे ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी है तथा तापमान शून्य से नीचे है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। लेकिन चीन चाहे जो कर ले, उसकी हर चाल फेल हो जाएगी, क्योंकि चीन की हर चाल पर भारत की नजर है और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की सुपरसोनिक मिसाइलें तैयार हैं, जिनका दम पूरे चीन को बेदम कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रेडी टू फायर मोड पर है, क्योंकि ड्रैगन जिस तरह से रंग बदल रहा है उसे देखकर भारत को पहले से तैयार रहना बहुत जरूरी है ताकि वक्त रहते चीन को करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन अब अगर युद्ध हुआ तो चीन पर भारत तो बरसेगा ही, बल्कि मोदी की विश्व आर्मी भी जिनपिंग की लाल सेना पर मौत बनकर टूट पड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल, ये दुश्मन का चलता फिरता गाल है। इसकी रफ्तार हवा से तेज है। अगर चीन ये सोचता है कि अक्साई चीन में हथियारों का जमावड़ा लगा लेने से भारत से टक्कर ले लेगा, तो चीन अपने इस गाल को देख ले। क्योंकि भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस रेडी टू फायर मोड में है। फाइटर जेट में लगी इस मिसाइल ने ड्रैगन की नींद उड़ा रखी है। ब्रह्मोस की ताकत, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस से जमीन और समंदर में टारगेट किया जा सकता है, जबकि ब्रह्मोस का सुपर वर्जन हवा में दुश्मन को ढेर कर सकता है। बाकी मिसाइलों के मुकाबले ये जमीन के काफी नजदीक रहती है, इसीलिए इसे एंटी मिसाइल सिस्टम जल्दी पकड़ नहीं पाते। मतलब चीन की रेड आर्मी को भी पता नहीं चलेगा और हवा में ही उसका काम तमाम हो जाएगा। 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि का दम, 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि अपने साथ परमाणु हथियार ले जा सकती है और दुश्मन को उसके घर में घुसकर राख कर सकती है। पृथ्वी का प्रहार, सतह से सतह पर 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा भारत के पास सूर्या, सागरिका, प्रहार और धनुष जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों की एक पूरी खेप है जो बीजिंग को थर्राने के लिए काफी है। ड्रैगन जिस तरह से रंग बदल रहा है उसे देख भारत को पहले से तैयार रहना बेहद जरूरी है ताकि वक्त रहते चीन को करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन अब अगर युद्ध हुआ तो चीन पर भारत तो बरसेगा ही, बल्कि मोदी की विश्व आर्मी भी जिनपिंग की लाल सेना पर मौत बनकर टूट पड़ेगी। क्योंकि चीन के खिलाफ भारत के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं, जिनका क्वाड सिस्टम चीन को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देगा कि चीन पानी भी नहीं मांग पाएगा। क्योंकि 2017 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ही क्वाड गठबंधन को आकार दिया है।
अब जरा सोचिए, अगर चीन ने गलती से भी कोई गलती की तो क्या होगा? मोदी की वर्ल्ड आर्मी जिनपिंग की सेना पर काल बनकर टूट पड़ेगी, जिसके सामने रेड आर्मी कुछ ही देर में राख हो जाएगी, और इस बात का एहसास चीन को भी है। इसीलिए वो नए नए प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा है। एक तरफ तो चीन पेंगोंग में हार के बाद शांति के कबूतर उड़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एलएसी से करीब 1,500 किलोमीटर दूर बारूद की बारिश कर रहा है। चीन जैविक हथियारों से युद्धाभ्यास कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है चीन की लाल सेना 5 बार भारतीय सैनिकों से मार खा चुकी है, और अब वीडियो जारी कर अपनी ताकत का प्रमाण देना पड़ रहा है। लेकिन चीन चाहे जो कर ले, हर मोर्चे पर उसकी हार तय है, क्योंकि सभी चोटियों पर भारत के सैनिक तैयार हैं, जिनके अचूक निशाने से चीन के सैनिकों का बचना नामुमकिन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन को युद्ध लड़ने का उतना अनुभव नहीं है जितना भारत को है, क्योंकि अगर चीन 62 वाली गलतफहमी में हो तो याद कर ले इस बात को कि 5 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं। और रही बात युद्ध लड़ने की, तो चीन का संकी तानाशाह जिनपिंग कान खोल कर सुन ले, भारत ने 62 के बाद 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई और करगिल का युद्ध जीता है, और गलवान में हुई मुठभेड़ को चीन क्यों भूल जाता है, जहां चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जिस पर अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक भी अपनी मोहर लगा चुका है। चीन को ये याद रखना चाहिए कि भारत योद्धाओं का देश है, और अगर चीन ने भारत से टकराने की कोशिश की तो इस बार गलवान में ही नहीं पूरे बीजिंग में मौत बरसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन लद्दाख में युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि ड्रैगन ये युद्ध लड़ेगा किसके भरोसे, क्योंकि अपनी रेड आर्मी पर से तो चीन के संकी तानाशाह जिनपिंग का भरोसा कब का उठ चुका है, और अब वो तिब्बती सेना पर दांव खेलने में लगा हुआ है। लेकिन तिब्बत के साथ गुलाम जैसा सलूक करना और चीन तिब्बत पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, तो बता दें कि इसके पीछे ड्रैगन का वो डर छुपा हुआ है जिससे जिनपिंग की रेड आर्मी लद्दाख में डर से कांप रही है। रिपोर्ट देखिए। जिनपिंग की लाल सेना को तिब्बत का सहारा। ड्रैगन का दोहरा चरित्र इतिहास में लॉ। कहने को तो चीन के पास करीब 15 लाख सैनिक हैं, जिनके ऊपर ड्रैगन बड़ा घमंड करता है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में पिटने के बाद चीनी सैनिक भारत से लड़ने को तैयार नहीं हो रहे। और अब चीन के संकी तानाशाह जिनपिंग का भरोसा अपनी लाल सेना से उठ गया है, और अब वो तिब्बती सेना पर दांव खेलने की चाल चलने लगा है। क्योंकि भारत की तिब्बत फोर्स से ड्रैगन इतना डर गया है कि उसने अपने तिब्बती सैनिकों को ही खड़ा कर दिया है, लेकिन चीन के ये तिब्बती सैनिक चीन से ज्यादा भारत को ही अपना समझते हैं। उन्हें इस बात का ख्याल है कि भारत में तिब्बती सैनिकों की शहादत पर 130 करोड़ हिंदुस्तानी गर्व करते हैं, जबकि चीन अपने तिब्बती नागरिकों के साथ तालिबान जैसा सलूक करता है और वो भारतीय सैनिकों से युद्ध करने से हिचक रहे हैं। चीन तिब्बत के पठार को जंग का मैदान बना रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि चीन के दिखावे वाले युद्धाभ्यास के लिए तिब्बत को ही क्यों चुना? क्या जिस तिब्बत के साथ चीन गुलाम जैसा सलूक करता है, अब उसके प्रति ड्रैगन का दिल पिघल रहा है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों को बार बार सेना के तिब्बती सिपाही धूल चटा रहे हैं, चीन की हर साजिश को हिमालय पर दफन कर रहे हैं, और जब उनके पराक्रम का मुकाबला चीन की चॉकलेटी सेना को मुश्किल लगने लगा, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना फोकस तिब्बत की तरफ घुमा दिया। चीन के अंदर इन दिनों तिब्बत के नाम से इतना खौफ क्यों है, इसकी एक वजह और है। भारत और चीन के बीच करीब 4,000 किलोमीटर की एलएसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ITBP संभालती है। ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स करीब 5 महीने से भारत चीन तनातनी के बीच सेना के साथ ITBP के हिमवीर सबसे आगे खड़े हैं। LAC पर डटे ITBP के जवान, ITBP के कंधों पर LAC की पहरेदारी, भारत चीन सीमा की जिम्मेदारी ITBP के पास, निगरानी के लिए ITBP की 32 बटालियन तैनात, ITBP की हर बटालियन में कम से कम 1,000 जवान, ITBP की एक बटालियन पर 110 किलोमीटर का जिम्मा, 178 बॉर्डर पोस्ट हैं, यानी दो पोस्ट के बीच की दूरी 20 किलोमीटर,
ये सीमा दुनिया के सबसे जोखिम भरे इलाके से गुजरती है। 9000 फीट से 18,750 फीट की ऊंचाई पर खतरनाक पर्वत और जंगलों का इलाका है। लद्दाख में भारतीय सेना के साथ कदम ताल करते हुए तिब्बती सैनिकों के कदम लगातार हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पेंगोंग की चोटियों को इन सैनिकों ने पैक कर रखा है और सर्द मौसम में सफेद रण क्षेत्र की गर्मी बढ़ा दी है। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे आजाद तिब्बत की आहट सुनाई देती है। साथ ही चीन के कब्जे वाले अपनी सरजमी को वापस लेने के लिए तिब्बती शेरों का खून खौल रहा है। तिब्बत से पलायन कर लद्दाख में बसे सैकड़ों तिब्बती परिवारों की तीसरी पीढ़ी इस समय चीन से अपना घर वापस लेने के लिए सेना के साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पैरा कमांडो के रूप में ड्रैगन के खिलाफ मैदान में है। मतलब बिना लड़े युद्ध जीतने का सपना देखने वाली लाल सेना लद्दाख में बैकफुट पर है। लिहाजा सीमा से करीब 1,500 किलोमीटर दूर आतिशबाजी कर भारत को डराने का ख्वाब देख रहा है और अब ड्रैगन का दोहरा चाल चरित्र इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। भावी पीढ़ियां जब इन पन्नों को पलटेंगी उन्हें चीन का असली चरित्र नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 25 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर वन आयुर्वेदिक औषधि वेटोनिक। संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का संबोधन आज। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को देंगे करारा जवाब। कोरोना महामारी पर रह सकता है पीएम का फोकस। सीएम मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ड्राफ्ट हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 पर होगा मंथन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहेंगे मौजूद। देश में 24 घंटे में 85,698 नए केस आए सामने। 1,093 मरीजों ने तोड़ा दम। संक्रमितों का आंकड़ा 59 लाख से ज्यादा। अब तक 53,410 मरीजों की मौत। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार ने डराया। एक दिन में फिर सामने आए 2,024 नए केस। 18 मरीजों की मौत। 1,20,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। हिसार में पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर हमला। आरोपी ने हथौड़े से सिर पर किया वार। एक की मौत, दो गंभीर। बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार में 28 अक्टूबर से 3 चरण में होंगे चुनाव। 28 अक्टूबर को पहले चरण, 3 नवंबर को दूसरे चरण, 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव होगा और चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयुक्त ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बिहार में वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी और एक बूथ पर 1,000 मतदाता ही वोट डालेंगे। कोरोना से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए। चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव संपन्न करवाने के लिए 7 लाख सैनिटाइजर, 1 लाख फेस शील्ड का इंतजाम किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दे रही है। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि दीनदयाल ने जनहित के काम किए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार मजबूती के साथ चलेगी, आगे भी मिल बैठकर फैसला लेंगे। जैसे ही उपचुनाव की तारीख की घोषणा होगी गठबंधन मजबूत उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगा, जीतेगा भी। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि ना तो मंडी टूटेगी ना ही मंडियां बंद होगी। एमएसपी पर कांग्रेसी किसानों को बरगरा रहे हैं। कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों ने बुलाया भारत बंद। रेल रोकने का ऐलान किया। कई राज्यों के किसानों ने भारत बंद को समर्थन देने का भी ऐलान किया था। बिहार में कृषि बिल के विरोध में आरजेडी का प्रदर्शन। किसानों के साथ सड़कों पर उतरे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव। कृषि बिलों को वापस लेने की मांग।
पंजाब में किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें पेश आई। किसानों के विरोध के चलते दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा भी बंद रही। गन्नौर रेलवे स्टेशन पर किसान संघ के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, नारेबाजी की। गन्नौर पुलिस और रेलवे पुलिस के जवान इस विरोध को देखते हुए पहले ही वहां पर मुस्तैद नजर आए। किसानों ने व्यापारियों से अपील की कि विरोध में अपनी दुकानें बंद रखें। भारत बंद के आह्वान पर यमुनानगर में बाजार खुले रहे तो किसान रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। कहा कि जब तक अध्यादेश को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कोई ट्रेन नहीं आई, पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। रेवाड़ी में भी किसान संगठनों ने सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी नारे लगाए। सचिवालय पर जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपील की कि ये अध्यादेश किसान हित में नहीं है, वापस लिया जाए। कैथल में किसान इकट्ठा हुए, रोष मार्च निकालते हुए करनाल रोड बाईपास पर पहुंचे। किसानों ने चौक पर जाम लगाए, नारेबाजी की, उसके बाद सरकार का पुतला जलाया। किसानों के रेल रोको ऐलान के चलते किसानों ने रोहतक में झज्जर रोड को जाम कर दिया। किसानों ने सरकार से कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की। जींद में भारतीय किसान यूनियन ने जींद हिसार सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। रोड पर तंबू लगाकर धरना प्रदर्शन किया। रोड पर आवाजाही बंद हो गई। किसानों का ये कहना है कि सरकार कृषि से जुड़े बिल्स को वापस ले। रानिया में भारत बंद के चलते विपक्षी पार्टियों ने मेन बाजार बंद कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने किसान और व्यापारियों के हित में नारेबाजी भी की। उजाना में किसानों ने कृषि अध्यादेश के विरोध में किसानों ने बंद बुलाया। इस दौरान किसानों ने लोगों से दुकानें बंद करने की अपील भी की। असंध में किसानों ने बंद के मद्देनजर व्यापारियों से दुकान बंद करने की अपील की, लेकिन कई जगह बाजार खुले नजर आए। अंबाला में कृषि बिलों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का ऐलान किया, लेकिन अंबाला में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। भिवानी में चौधरी देवीलाल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की, जहां पर दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रादौर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने नहर में युवक के शव को देखा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। मृतक युवक की शिनाख्त खारवन गांव निवासी के तौर पर की गई है। फरीदाबाद के आदर्श नगर थाना इलाके में युवक को चाकू से गोद कर घायल करने का मामला है सामने। परिजनों का ये कहना है कि आरोपी ने मामले में गवाही देने से रोकने की कोशिश की। पानीपत के सेक्टर 25 में मौजूद मित्तल मॉल में चल रहे देह व्यापार के गोरख धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया। सवाल का सही जवाब दें और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3,000 रुपए। या पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3,000 रुपए। नोट, टैक्स और कुरियर के लिए 699 रुपए का भुगतान करना होगा। इनमें से क्या भेलपुरी की मुख्य सामग्री होती है? ऑप्शंस हैं ए अंकुरित अनाज, बी दही, सी शहद या डी मुरमुरे। आपको दिए गए सवाल का उत्तर हमें सिर्फ SMS के द्वारा भेजना है। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप करें क्विज स्पेस ए। अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें क्विज स्पेस बी। आपका जवाब सी है तो टाइप करें क्विज स्पेस सी। आपका जवाब डी है तो टाइप करें क्विज स्पेस डी। और भेज दें हमें 56161 पर। विराट कोहली का एड देखा था MPL का, ऐप डाउनलोड कर लिया, बहुत सारे गेम्स है उसमें, फिर मैंने फैंटेसी क्रिकेट शुरू कर दिया, काफी इनाम जीत चुका हूँ। डाउनलोड नाउ फ्रॉम MPL.live। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुँचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। रागिणी गा रहा से यो नाच नचा रहा से, सीरियल ला रहा से यो फिल्म दिखा रहा से, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर अपना चैनल। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में चिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है।
ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 999-612-3। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। रागनी गा रहा से, यो नाच नचा रहा से, सीरियल ला रहा से, यो फिल्म दिखा रहा से। उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर अपना चैनल। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच के तह तक जाने का जज्बा।